He is the biggest criminal. He is the biggest businessman. This is the biggest national issue. तो दोस्तों, रॉकिंग स्टार यश और सुपरस्टार संजय दत्त की फिल्म KGF चैप्टर 2 इंडियन बॉक्स ऑफिस और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है। और दोस्तों, ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज जहां अपने 4 हफ्तों पूरे होने के बावजूद भी काफी शानदार कमाई कर रही है, तो वहीं दोस्तों कल इस फिल्म को रणवीर सिंह की फिल्म जयेश भाई जोरदार से काफी कड़ा कॉम्पिटिशन मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, कल के लिए भी इस फिल्म की जो एडवांस है वो आज से ही लगभग काफी अच्छी चल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं KGF चैप्टर 2 के 4 हफ्तों के टोटल यानी कि 29 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। जानने वाले हैं दोस्तों, इस फिल्म ने हिंदी में अब तक कितने करोड़ की कमाई कर ली है और इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन है वो अब तक कितना। जानते हैं कि KGF चैप्टर 2 का इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 14 अप्रैल को हिंदी में लगभग 4,500 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया और दुनिया भर में लगभग 11,000 स्क्रीन्स मिली थी। इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन हिंदी बॉक्स ऑफिस पर नेट में जहां 54 करोड़ रुपए की कमाई की, तो वहीं दोस्तों ग्रॉस में इस फिल्म का कलेक्शन 68 करोड़ रुपए का रहा। अपने पहले ही दिन दोस्तों इतनी बेहतरीन ओपनिंग लेने वाली ये फिल्म हिंदी इतिहास की सबसे बड़ी ओपनर साबित हुई और सभी पुराने रिकॉर्ड्स इस फिल्म ने तोड़ दिए। ऑडियंस की तरफ से मिलने वाले शानदार रिव्यूज की वजह से इस फिल्म का हिंदी बॉक्स ऑफिस पर अपने शुरुआती 4 दिनों का कलेक्शन 200 करोड़ से ज्यादा का था। वहीं दोस्तों अपने पहले हफ्ते का कलेक्शन 300 करोड़ से भी ज्यादा का था। दोस्तों बताते चले आपको कि KGF चैप्टर 2 में यश का एक्शन और उनका स्वैग आउटस्टैंडिंग है। उनके एटीट्यूड को देखने के लिए दोस्तों ऑडियंस की भीड़ आज भी लग रही है। यही वजह है दोस्तों कि अपने शुरुआती 3 हफ्तों तक हिंदी नेट बॉक्स ऑफिस पर 397 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने वाली फिल्म KGF चैप्टर 2 ने अपने 4th वीक में भी काफी शानदार कमाई की और इस फिल्म का अपने शुरुआती 28 दिनों का इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर हिंदी में जो कलेक्शन था वो लगभग 420 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका था। दोस्तों बताते चले आपको कि आज इस फिल्म का हिंदी में 29वां दिन है और आज भी ये फिल्म हिंदी में लगभग 2 करोड़ रुपए की कमाई करती हुई नजर आ रही है, जिससे कि इस फिल्म का हिंदी टोटल नेट कलेक्शन 422 करोड़ और हिंदी ग्रॉस कलेक्शन 530 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर चुका होगा। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने अपने शुरुआती 3 हफ्तों तक 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली थी। अपने 4th हफ्ते दोस्तों इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रिस्पांस वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी मिला और यही वजह रही दोस्तों कि इस फिल्म ने अपने शुरुआती 25 दिनों तक वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1155 करोड़ रुपए कमा लिए थे। 26वें दिन दोस्तों इस फिल्म ने लगभग 6.5 करोड़ रुपए कमाए। 27वें दिन की इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे वो लगभग 6 करोड़ रुपए के रहे। 28वें दिन इस फिल्म ने कमाए हैं 5.2 करोड़ रुपए। वहीं दोस्तों आज ये फिल्म लगभग 5 करोड़ रुपए की कमाई दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कर रही है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर अपने शुरुआती 29 दिनों का लगभग 1178 करोड़ रुपए का हो चुका होगा और KGF चैप्टर 2 दोस्तों दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर इंडियन इतिहास की सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली फिल्म बन चुकी होगी और टॉप 3 फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुकी होगी। हिंदी में दोस्तों जिस तरह से इस फिल्म को ओपनिंग मिली है उस हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों जयेश भाई जोरदार जो कि कल रिलीज होने वाली है, इस फिल्म को भी लेकर दोस्तों ऑडियंस के बीच में कुछ खास बज देखने को नहीं मिल रहा। जयेश भाई जोरदार दोस्तों अपने पहले दिन लगभग 3-4 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेने वाली है, तो वहीं दोस्तों KGF चैप्टर 2 के भी कल के जो कलेक्शन है वो लगभग 3-4 करोड़ रुपए के आने वाले हैं। यानी कि दोस्तों KGF चैप्टर 2 हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 450 करोड़ रुपए के आंकड़े को आसानी से पार करके हिंदी सिनेमा की टॉप 2 हाईएस्ट ग्रोसर फिल्मों की लिस्ट में शामिल रहेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या रणवीर सिंह की फिल्म जयेश भाई जोरदार इस फिल्म को रोक पाएगी या नहीं?